सलमान खान को साउथ के सिनेमा रीमेक करने में बहुत दिलचस्पी रही है और ये बॉलीवुड का ही फेवरेट टॉपिक रहा है, लेकिन भाईजान ने अपने करियर की पूरी नींव जो है सुपरहिट रीमेक फिल्मों से खड़ी की है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। फिर चाहे वो वांटेड हो, बॉडीगार्ड हो, जुड़वा हो, बंधन हो, बीबी नंबर वन, तेरे नाम, हर दिल जो प्यार करेगा, नो एंट्री, रेडी और किक, बहुत सारे नाम है सलमान खान के जो मोस्ट ऑफ द रीमेक है फ्रॉम साउथ, और सलमान खान को ये बहुत लकी साबित हुए हैं। इसीलिए सलमान खान ने तमिल मूवी वीरम का रीमेक खरीदा और किसी का भाई किसी की जान को बना डाला। हालांकि ये रीमेक बासा है और सलमान खान को लेकर काफी डिवाइडेड पॉलिसी आ रही है। अभी मूवी किस तरह परफॉर्म करती है ये तो बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा, लेकिन एक बात तय है, सलमान खान की हिट लिस्ट में साउथ का सिनेमा सबसे आगे था और आगे रहेगा। लेकिन जिस तरह से हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, वैसी सलमान खान की कुछ सिनेमा को लेकर ख्वाहिशें ऐसी हैं जिसपे सलमान खान का दम निकल रहा है, और एक ऐसी मूवी सलमान खान की जिसमें उनके ख्वाब ख्वाहिश सब दम तोड़ चुके हैं। मूवी का नाम है पुल्ली मुरुगन। ये सलमान खान की बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट में आती है बिकॉज सलमान खान ने बड़ी ठाट बाट से मूवी के राइट्स खरीदे थे और जब ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम में तब बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और सलमान खान को ये मूवी बहुत जल्दी बनानी थी बिकॉज ये थोड़ा थोड़ा ट्रिपल आर के लेवल की मूवी थी, लेकिन जंगल एडवेंचर के साथ साथ आदमखोर टाइगर कॉन्सेप्ट सलमान खान ने काफी टाइम तक डिले कर दिया और अब हॉलीवुड में इस तरह की काफी सारी मूवीज बन चुकी हैं। बहरहाल पुल्ली मुरुगन 2016 में रिलीज हुई थी और सलमान खान ने करीब 8 साल वेट किया, अब लगता नहीं इस मूवी को वो रिलीज कर पाएंगे बिकॉज उनका जो ख्वाब था इस मूवी को टाइम पर बनाने का वो नहीं बन पाया। इसके एक नहीं कई रीजन है, कई बार डायरेक्टर नहीं मिले, कई बार मूवी का प्लॉट इंडिया में सेट नहीं हो पाया, और कई बार सलमान खान अपने होम प्रोडक्शन की फिल्में अपने बहनों को सेटल करने में इतने बिजी थे कि पुल्ली मुरुगन पर ध्यान नहीं गया। बहरहाल पुल्ली मुरुगन की स्टोरी बहुत डिफरेंट है और इसको ज्यूरी पुरस्कार से स्पेशली अवार्ड मिला था। कहानी की बात करें तो एक मुरुगन नाम के व्यक्ति की कहानी है जिसके फादर को बाघ मार देता है, इसके बाद वो बदला लेता है, बाघ मारने में एक्सपर्ट हो जाता है। मोहनलाल ने बहुत शानदार तरीके से एक्शन किया था, उनकी एक्टिंग, एक्सप्रेशन और सीक्वेंसेस जो थे पूरे एडवेंचर्स के बहुत लाइक किए गए थे। इसी वजह से मूवी ने करीब 25 करोड़ के बजट में 152 करोड़ का कलेक्शन किया था जो कि बहुत बड़ी बात है मलयालम इंडस्ट्री के लिए। ये दृश्यम से पहले की भी बात है। बहरहाल सलमान खान ने साल 2017 में यानी मूवी के रिलीज के अगले साल ही पुल्ली मुरुगन के हिंदी राइट खरीद लिए थे, जो कि सलमान खान ने दुबई में ट्यूबलाइट के प्रमोशन के दौरान बोला भी था। लेकिन सलमान खान इस मूवी को आज तक बना नहीं पाए, इस बात का उनको बहुत अफसोस है बिकॉज वो साउथ की फिल्मों में कैमियो कर रहे हैं, साउथ की फिल्मों के राइट्स खरीद कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी आने वाली मूवीज मोस्टली रीमेक हैं, लेकिन पुल्ली मुरुगन अभी तक होल्ड पर है। और दुख की बात यह कि पुल्ली मुरुगन के जो भी सैटेलाइट या फिर थिएटर या प्रिंट राइट हैं वो एक लिमिटेड टाइम की हैं। सलमान खान उस टाइम में अगर मूवी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो ये राइट्स फिर से प्रोड्यूसर के पास वापस चले जाएंगे, और हो सकता है प्रोड्यूसर इस बार किसी और को वो राइट्स बेच दे। इस तरह सलमान खान का जो ख्वाब था पुल्ली मुरुगन को हिंदी बनाने का वो अधूरा रह जाएगा बिकॉज सलमान खान टार्जन अंदाज में जिस तरह मूवी को बनाना चाहते थे वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता था, और पब्लिक भी सलमान खान को डिफरेंट अवतार में देखती, उनकी बॉडी दिखाने के, उनके एक्शन दिखाने के, उनके जंगल को दिखाने के बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आ सकते थे। लेकिन ड्रीम इज ड्रीम, अब देखते हैं सलमान खान इस ड्रीम को पूरा करते हैं या उनके हाथ से इस मूवी के राइट्स खो जाते हैं। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।